काफ़ी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं एआई के बारे में। एआई क्या है कि मतलब ह्यूमन नेचर के बिहेवियर को समझ करके और इस चीज़ को ऐप में कन्वर्ट करके और ह्यूमन बिहेवियर को समझ लें कि मतलब ह्यूमन क्या चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एडटेक कंपनीज है या ऑनलाइन कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्क करती हैं। मीन्स इस तरीके से ऐप जनरेट करती हैं ताकि ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकें और उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर एडटेक की मैं बात करूँ तो एडटेक कंपनीज क्या करती हैं, तीन तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ। और फिर जो जब स्टूडेंट्स उसको ओपन करता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है वो स्टूडेंट अपने आप को कर पाता है कि मैं पहले इजी करूंगा, मॉडरेट करूंगा या फिर मैं टफ वाले क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, यानी मैं बताने जा रहा हूँ एक नया कोर्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया है, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। आज के ही दिन 11/10/2021 को ये नोटिस रिलीज किया गया एमयू की तरफ से कि बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है शुरू हो चुका है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और जिस स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट है एआई में, वो इस कोर्स को अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये कोर्स। क्योंकि ये इस कोर्स का अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ऑन डिमांड था। मैं खुद इस चीज़ को काफ़ी दिनों से सुनते आ रहा हूँ, AI-based, मतलब जिस भी ऐप को मैं सुन रहा हूँ किस पे काम करता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कोर्स देख करके तो मुझे भी खुशी हो रही है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को करेंगे वो काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने अंदर और यूटिलाइज कर पाएंगे उस चीज़ को। तो मैं ये नोटिस पढ़ के बता देता हूँ, ये नोटिस लिखा हुआ है, द वाइस चांसलर ऑन बिहाफ ऑफ एकेडमिक काउंसिल हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग, द बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेशन 2021-22, यानी कि इसी सेशन से स्टार्ट होने वाला है जिसका आपने पेपर दिया है, अंडर द सेल्फ फाइनेंस स्कीम SFS विथ एन इनटेक ऑफ 36 25 जनरल प्लस 5 फॉरेन नेशनल एंड NRIs, एंड द एडमिशन टू न्यू ब्रांच दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी डन अलॉन्ग विद अदर ब्रांचेज ऑफ बीटेक एंड द सेम विल बी अलॉटेड थ्रू काउंसलिंग, एन अमाउंट ऑफ 45,000, बहुत ज़्यादा नहीं है, 45,000 पर एनम विल बी एडिशनली चार्ज टूवर्ड्स डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एडमिटेड टू बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द फॉलोइंग इज द फी स्ट्रक्चर फॉर एडमिशन टू बीटेक कोर्स इंट्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट फी, ठीक है। तो ये पूरा दिया हुआ है इसमें, बॉयज़ का, गर्ल्स का, रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो पहले से जो कोर्सेज हैं बीटेक के अंदर एएमयू में वो क्या क्या है। बीटेक में सबसे पहले इसमें चल रहा था केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें 30 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीट्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसमें 50 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीट्स है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसमें 50 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें 90 सीट्स है, उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जिसमें 25 सीट्स है, एंड फूड टेक्नोलॉजीज में 20, यानी कि टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 390 सीट्स पहले से थी और 30 सीट्स और बढ़ चुकी हैं आज से, यानी कि 2021-2022 सेशन में टोटल सीट्स हमारी हो जाएंगी 420 सीट्स, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अपना एंट्रेंस एग्जाम बीटेक में दिए हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है कि उनको एक नया कोर्स मिल गया है, यानी कि और भी ज़्यादा बच्चे एडमिटेड होने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।